बद्रीनाथ धाम से शुरू हुई विश्व हिंदू परिषद की शौर्य यात्रा प्रदेश भर में भ्रमण के बाद लंढौरा से होते हुए मंगलौर पहुंची, जहां पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच में यात्रा को सफल कराया गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिलों पर सवार होकर जय श्री राम के नारों के साथ में शौर्य यात्रा ने मंगलौर में प्रवेश कराया। शौर्य यात्रा मंगलौर के मुख्य बाजार से होकर गुजरी और महामंडलेश्वर स्वामी मैत्री के आश्रम पहुंची, जहाँ पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। बजरंग दल के प्रदेश संयोजक अनुज बालिया ने बताया कि यह यात्रा बाबा बद्रीनाथ का आशीर्वाद लेकर देवभूमि उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में जाएगी, जिसका उद्देश्य युवाओं का नशा मुक्त कराना है। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। बजरंग दल की शौर्य यात्राएं पूरे देश भर में चल रही हैं। उसी क्रम में बद्रीनाथ के पवित्र धाम से बद्रीनाथ के आशीर्वाद को लेकर एक ध्वज निकला है, जो बद्रीनाथ की शक्ति से परिपूर्ण है, जो पूरे उत्तराखंड के जिलों में घूम रहा है। ऐसी 20 बड़ी सभाएं और 180 छोटे स्वागत व महाआरतियों के कार्यक्रम तय हैं। यह यात्रा बड़े पवित्र उद्देश्य से निकली है कि मेरे उत्तराखंड के युवाओं का शौर्य जागरण हो और मेरे उत्तराखंड का युवा नशे से मुक्त हो। आज बड़ी योजना के तहत युवाओं की जवानी को नष्ट करने की योजना बनाई जा रही है, तो यह यात्रा नशे के विरुद्ध निकली है। यह यात्रा जो है धर्मांतरण के विरुद्ध निकली है। धर्मांतरण का जो जहर पूरे उत्तराखंड में फैला हुआ है, उसके विरुद्ध निकली है।